हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। मैंने थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया हुआ है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 80 वीडियोज मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का अच्छे से बताया हुआ है बीपीएससी टीआई 2 में। उस सभी वीडियो जाकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और 2024 के प्रैक्टिस सेट में यह 91वां वीडियो है दोस्तों ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आप सबको पता है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को कौन सा शैक्षणिक अनुशासन मजबूती प्रदान करता है? तो दोस्तों, जो भी नए नए वैज्ञानिक सिद्धांत खोज हो रहे हैं, थ्योरीज दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका आ गया किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स के आने से बहुत सारा सुधार हुआ है। यहाँ पे वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक थ्योरी से जो शारीरिक शिक्षा का अनुशासन है शैक्षणिक, वो मजबूती प्रदान होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट किसके प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है? तो दोस्तों, यह रोम के प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है, जहाँ पे सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, किसे एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है? तो आप सबको पता है जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय बैरन पियर डी कुबर्टिन को कहा जाता है, इसलिए आधुनिक ओलंपिक का पितामह बैरन पियर डी कुबर्टिन को कहा जाता है। उसी प्रकार एशियन खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर जी डी सोंधी को, इसलिए प्रोफेसर जी डी सोंधी को एशियन खेलों का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग में किसे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राष्ट्र कहा जाता है? तो आप जान ही गए होंगे सही आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में तथा शिक्षा में शारीरिक शिक्षा किस आधार पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकती है? तो दोस्तों, वह एक अच्छे नेतृत्व का विकास होगा उसका, तो एक अच्छा नेतृत्व के रूप में विकास कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में शारीरिक शिक्षा के संबंध में किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। रूस में शारीरिक शिक्षा के संबंध में जो हम लोग शारीरिक शिक्षा कहते हैं, वहां पे शारीरिक शिक्षा को किसी अन्य शब्द से संबोधित किया जाता है। वहां पे शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति यानी कि फिजिकल कल्चर तकनीकी शब्द से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षक को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, यह संस्था है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में हुआ था। एंड इसका काम है भारत की शिक्षा प्रणालियों के मानक व उनके कार्य को नियंत्रित करना। यह क्वेश्चन आया हुआ था BPSC TRA 2 में, तो आ सकता है, फुल फॉर्म पूछा हुआ था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है कि NCTE का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है दोस्तों, UGC का पूरा नाम क्या है? UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फुल फॉर्म एक न एक अवश्य पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका 1956 नवंबर 1956 में स्थापना हुआ था। UGC का काम है कि उच्च शिक्षा शिक्षकों की वेतन योग्यता, पाठ्यक्रम संशोधन आदि इसका काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, NCERT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, NCERT, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 में हुआ था, और इसका काम है केंद्र व राज्यों के स्कूलों को शिक्षा के लिए परामर्श देना। तो NCERT का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएएसी का पूरा नाम क्या है। एनएएसी का पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट दोस्तों एआईयू का पूरा नाम क्या है, तो एआईयू का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है किसी गामक कौशल के क्रियान्वित करने के लिए प्रयास या त्रुटि क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्योंकि यह एक थ्योरी है और प्रयास और त्रुटि जो है करके बच्चे और सभी वर्ग के लोग को सीखने में आसानी होता है। और ये साइंटिफिक मतलब ये है कि जब भी बच्चा जन्म से एकदम पशु के समान होता है और धीरे धीरे वह गलती करता है फिर सीखता है, तो ट्रायल थ्योरी जो महत्वपूर्ण थ्योरी है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट दोस्तों किस दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, तो आपको पता है कि यह जो प्रयोगवाद है जिसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है तो उसे ही एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रयोगवाद को एक्सपेरिमेंटेशन, व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, प्रैग्मेटिज्म आदि नामों से जाना जाता है और इसके संस्थापक हैं जॉन डीवी। यथार्थवाद यानी रियलिज्म के संस्थापक हैं अरस्तु। प्रकृतिवाद के संस्थापक हैं रूसो। एंड आइडियोलिज्म यानी आदर्शवाद के संस्थापक है प्लेटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मनुष्य की वृद्धि जायगोट से प्रारंभ होती है, ठीक है। जो मेल और फीमेल के जो शुक्राणु होते हैं आपस में मिलने को उसको जायगोट कहते हैं और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गेमेटस सेल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नास्टिक की ज्यादातर मुख्य प्रणालियां किस देश से उद्धत हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि जिम्नास्टिक के पितामह जर्मनी में गर्समर्स हैं और वहीं से जर्मनी का शुरुआत हुआ। और लेकिन जो जर्मनी की विधियां हैं, जो जिम्नास्टिक की विधियां हैं, सबसे ज्यादा स्कैंडिनेविया से उद्धत हुई। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के कार्यालय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना हुआ था और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, कार्यालय हैं। दक्षिणी केंद्र में बंगलौर, पूर्वी में कलकत्ता, उत्तरी में चंडीगढ़, केंद्रीय में दिल्ली एंड पश्चिमी केंद्र गांधीनगर और उत्तर पूर्वी केंद्र इम्फॉल है। तो यहाँ पे कलकत्ता भी है, बंगलोर है, गांधीनगर है, बट रांची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में शारीरिक शिक्षा से संबंधित सबसे अधिक इतिहास किस काल को में मिला है, तो यह मिला है हिंदू काल में। नेक्स्ट है आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। आदर्शवाद यानी आर्यलोक में जिसके संस्थापक हैं प्लेटो, इसका मुख्य उद्देश्य था सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट है निम्न में से किस खेल में मांसपेशीय क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों शूटिंग में पड़ती है, तीरंदाजी में पड़ती है, टाइकांडो में पड़ती है, लेकिन शतरंज में बहुत कम पड़ती है। बैठकर खेलने वाला ज्यादा मेहनत वाला खेल नहीं है, दिमागी खेल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, वास करता है, यह किसने कहा है। दोस्तों किस दर्शन शास्त्र से संबंधित है, इस बात को कहे हैं अरस्तु। और अरस्तु किस दर्शन शास्त्र के संस्थापक हैं, यथार्थवाद के। तो यहाँ पे यथार्थवाद यानी रियलिज्म में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल सिखाया जा रहा है तो यह इस क्रिया में स्थानांतरण का प्रभाव कैसा होगा। दोस्तों बास्केटबॉल खिलाड़ी अगर हैंडबॉल सीख रहा है, उसके सीखने में सहायता कर रहा है, तो वह क्या उसका स्थानांतरण होगा, धनात्मक यानी सकारात्मक स्थानांतरण। जो है किसी पहले से सीखा हुआ कार्य का अनुभव या स्किल नए कार्य सीखने की जो क्रिया होती है उसी को सीखने का स्थानांतरण करते हैं, लेकिन
जो पहले का सीखा हुआ स्किल नए कार्य करने में सहायता करे तो धनात्मक स्थानांतरण, अगर सहायता न करे बाधा उत्पन्न करे तो ऋणात्मक स्थानांतरण, और न सहायता करे नए कार्य सीखने में पहले का ज्ञान और न बाधा उत्पन्न करे तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मनी में किस प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया? तो फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखा था। इन्होंने जिम्नास्टिक के किस प्रकार की प्रचलन में लाया? पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक को इन्होंने प्रचलन में लाया था। नेक्स्ट दोस्तों, IOA का गठन कब हुआ? तो IOA का गठन 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। IO यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा वस्तुतः किसका क्रियात्मक रूप है? दोस्तों, तो यह मनोरंजन का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, खाली समय में लोग खेलते कूदते थे, इस प्रकार की क्रियाएं करते थे, तो वो जाकर के आज बहुत ऊंचे लेवल पर चला गया है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से शारीरिक प्रशिक्षण किसके लिए अधिक अनुकूलन रहता है? दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अनुकूलन सैनिक के लिए होता है, बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं सैनिकों को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ग्रामीण खेलों के विकास के लिए किस सत्र में कार्यक्रम शुरू किए थे? तो दोस्तों, 1970-71 में। नेक्स्ट है, भारत देश में खेलों के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो दोस्तों, आप सबको पता है युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है? तो समाजशास्त्र में मूल्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले शरीर के परिमाण और आकार के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था? तो वो है दोस्तों हमारे शेल्डन। कौन है? शेल्डन, जिन्होंने बॉडी को तीन भागों में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। जैसे कि इन्होंने एंडोमॉर्फिक को बिस्रोटोनिक भी कहा जाता है, जो गोलकाय शरीर वाला होता है, आप सबको पता है, मोटा कोमल शरीर वाला, बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला, और यह दोस्तों अधिकतर उन खेलों में प्रदर्शन अच्छा करता है जिसका संबंध मुख्य रूप से ताकत यानी स्ट्रेंथ से होता है, जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, दस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती आदि, और एजिलिटी और स्पीड वाले क्रियाओं में यह अच्छा नहीं होता। और दूसरा इन्होंने बांटा है पेशी प्रधान संरचना मैसोमॉर्फिक यानी सुडोल का शरीर, मैसोमॉर्फिक को सोमैटोटोनिक भी कहा जाता है, और इसमें अस्थि पंजर और पेशियाँ अच्छी विकसित होती है, मजबूत बॉडी होता है, और यह मेसोमॉर्फिक जो बॉडी वाला शरीर होता है ये सभी क्रियाओं के लिए अच्छा होता है, जैसे ताकत, चपलता, चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। तीसरा इन्होंने बांटा है एक्टोमॉर्फिक, जिसे लंबकाय शरीर, अस्थि प्रधान संरचना, यहाँ पे पेशी प्रधान रहेगा मेसोमॉर्फिक रहेगा, अस्थि प्रधान कहेगा तो दुबला पतला शरीर एक्टोमॉर्फिक रहेगा। एक्टोमॉर्फिक सेरिब्रोटोनिक कहा जाता है, प्रमस्तिष्क प्रधान, क्योंकि ये ज्यादा बुद्धिमान होता है, और दुबला पतला शरीर सुंदर काय होता है, और जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होता है सहनशीलता वाले खेलों और जिम्नास्टिक में ज्यादा अच्छा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग किसी काम का नहीं होता? तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी तैयारी 2 में कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स जो होता है बड़ी आंत की पूंछ में, पूंछ की तरह जुड़ा रहता है अपेंडिक्स, और एक कॉक्सिजियल, ये दोनों अवशेषी अंग है, ठीक है, अब किसी काम के नहीं है। यहाँ पे जो है कॉक्सिजियल जो है किसी काम का नहीं होता है, जैसे कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है उसको पांच भागों में बांटा गया है, जैसे कि सर्वाइकल बोन गर्दन की 7 होती है, थोरेसिक बोन कसर का 12 होती है वच की, और लंबर यानी कि कट यानी कमर में 5 होती है, सेक्रल जो है 5 होती है जो बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती है, और कॉक्सिजियल 4 होती है जो बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती है। पूंछ के समान अंतिम भाग होता है रीढ़ की हड्डी का, जो जिसका कोई भी काम नहीं होता।
नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग द्वारा किसी के मानसिक गति का पता लगाया जा सकता है? तो वो है दोस्तों आंख, आंखों को देखकर पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध किसका है? जैसे दोस्तों जैसे माँ बेटी का संबंध होता है उसी तरह शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में संबंध है। नेक्स्ट है, किस विज्ञान में प्रयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? आप सबको पता है प्रयोग अनुप्रयोग यानी उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो थार्नडाइक थे सीखने के तीन मुख्य सिद्धांत दिए थे, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत, यह मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, शरीर का पर्याप्त शारीरिक विकास निम्न में से किसके बिना संभव नहीं है? तो दोस्तों जब तक आप जितना आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उतना ही डेली बेसिस पे आप करेंगे उतना ही भार आपको दिया जा रहा है, तो आपका जो पर्याप्त विकास है वो नहीं हो पाएगा, आपको एक उससे अतिरिक्त भार देना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने और आपका विकास अच्छा पर्याप्त हो सके, तो अति भार आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति निम्न में से किस क्रिया के लिए अनुकूल होता है? तभी मैं जस्ट बताई हूँ कि जो सुदृढ़ यानी एंडोमॉर्फिक गोलकाय शरीर होता है वह स्ट्रेंथ वाले खेलों जैसे कि पावर लिफ्टिंग, गुलाब फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती में अच्छा होता है। जो मेसोमॉर्फिक होता है पेशी प्रधान मजबूत बॉडी, वो ताकत, चपलता, चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। जो अस्थि प्रधान संरचना एक्टोमॉर्फिक होता है वह सहनशीलता और जिम्नास्टिक में ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्टोमॉर्फिक के लिए सहनशीलता से संबंधित। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कहाँ हुआ था? एनडीएस की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला नरेश निम्न में से किस समिति के शीर्ष स्थान पर थे? तो दोस्तों ये एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के शीर्ष स्थान पर थे और एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना 1958 में डॉक्टर एल श्रीमाली के प्रयास से हुआ और इसी के द्वारा एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा 7 मई 1961 को एनएसएनआईएस पटियाला की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, एनएसएनआईएस पटियाला का मुखिया कौन होता है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का मुखिया होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल चिकित्सकीय शास्त्र में किस भारतीय संस्थान ने 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया? तो वह है एनएसएनआईएस पटियाला ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शरीर का प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए मुख्य शरीर के प्रकारों में नहीं है? दोस्तों एम्बिवर्ट है, एक्टोमॉर्फिक है जिसने सेल्डन ने ही बताया है, एस्थेनिक जो केसमैन ने बताया है, जबकि मिंटोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल खेलों में काफी लोकप्रिय है? तो वह है दोस्तों आपका क्रिकेट। नेक्स्ट है, महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग निम्न में से चौड़ा होता है? तो आप सबको पता है कुल्हा यानी हिप, इसके कारण जो सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट है महिलाओं का पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए जितना नीचे सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट होगा और नीचे वाला भाग वस्तु का भार या निचले वाला भाग जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, इसलिए महिलाओं का संतुलन पुरुषों से ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन जो है 1939-1949 में जो स्टॉकहोम स्वीडन में लिंगयार्ड हुआ था, तो प्रथम और द्वितीय लिंगयार्ड खेलों का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों स्वीडन की जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना। और द्वितीय लिंगयार्ड 1949 में भारत ने एचबीपीएम महाराष्ट्र ने अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की उस अवस्था को बताइए जिसमें यौन रचना के अलावा किसी शारीरिक रचना में अंतर नहीं पाया जाता। तो वो अवस्था होती है दोस्तों आपका प्यूबर्टी ईयर, जो प्री एडोलेसेंस यानी प्री किशोरावस्था होती है जिसे 9 से 11 बारह उम्र का होता है। नेक्स्ट है, किसी आघात के कारण हड्डी का कई जगह से
टूट जाना कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? तो किसी आघात के कारण एक ही हड्डी का कई जगह से टूटना उसको कहा जाता है कम्युनिटेट फ्रैक्चर। ठीक है, क्या कहा जाता है? कम्युनिटेट फ्रैक्चर। जैसे कि फ्रैक्चर कई प्रकार के होते हैं, फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूटना। जैसे कि एक होता है साधारण फ्रैक्चर, यानी कि जिसे सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें हड्डी टूट जाता है बट त्वचा से फटकर बाहर नहीं निकलती है। दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर, यानी कंपाउंड या ओपेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी टूटकर घाव भी बन जाता है, यानी कि चमड़ी से बाहर निकल जाता है। एक होता है जटिल फ्रैक्चर, यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियाँ टूटकर मुलायम अंगों जैसे कि फेफड़े, गुर्दे हृदय में घुस जाती हैं। एक होता है विखंडित फ्रैक्चर, यानी कम्युनिटेट फ्रैक्चर, जो इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, यानी एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूट जाना, जिसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। एक होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, संघात फ्रैक्चर, जिसे पेनिट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूट कर एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है, टकराता है और खटखट की आवाज़ भी आती है। और एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो छोटे बच्चों में हड्डियों का पूर्ण विकास अच्छे से विकास न होने के कारण होता है, तो किसी आघात से हड्डियाँ टूटती नहीं हैं, मुड़ जाती हैं। एक होता है डिप्रेस फ्रैक्चर, जो खोपड़ी में क्रैनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है। एक होता है रोगात्मक फ्रैक्चर, जो रोगग्रस्त व्यक्ति के छोटे से आघात के कारण टूट जाता है। एक होता है दोस्तों ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर, जिस तिरछा अस्थिभंग होता है, जो तिरछी या विकर्ण रूप से टूट जाती है, अधिकतर ह्यूमरस और फीमर अर्थात शरीर की लंबी अस्थियों में ऐसा होता है। तो ये प्रकार तिरछा ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर जो है यह स्टेट में पूछा हुआ था। एक होता है दोस्तों ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, आड़ा तिरछा अस्थिभंग, यह रीढ़ की हड्डियों में टूट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।